इससे वो कर्मचारी की जान बच जाए जो आपके यहाँ सेवा दे रहा है। इतना इतना कहने के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। साथ ही चाहूंगा कि इस लेक्चर में आपके किसी के कोई क्वेश्चन हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो वो बताएं। एक सिक्योरिटी की बात बताऊं, जिस समय ये रजिस्ट्रेशन होता है उस समय 1 लाख रुपए की बैंक गारंटी होती है, क्योंकि जो स्टाफ है उसके लिए वो संस्था भी जवाबदार रहती है। तो 1 लाख की सिक्योरिटी मनी आपसे रजिस्ट्रेशन के समय मिलेगा। चलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और साथ ही अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो निश्चित कर सकता है, उसके लिए मैं 2-5 मिनट और आपका वेट कर रहा हूँ। बताएं किसी के कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ जी, कोई व्यक्ति कुछ और जानना चाह रहा हो पूछिए, किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ सभी सेटिस्फाइड हैं। अब हम दिल्ली से जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक मिनट, किसी ने लिखा है सर, अंकित अग्रवाल। हाँ बताइए, स्पेस हाउसिंग, इन्होंने लिखा सर डेल्टा मैट्रीन मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलता है, कौन सी कंपनी का आता है और कितना उसे जी? उसे कितना यूज करें? शर्मा साहब फिर से दोहराऊं, शर्मा जी सुन रहे हैं मेरी बात को? आप क्वेश्चन को दोबारा। हाँ हाँ ठीक है, इन्होंने पूछा है स्पेस वेयरहाउसिंग से सर डेल्टा मैट्रीन मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ जी बोले। कौन डेल्टा मैट्रीन जो है मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलता है, कौन सी कंपनी का आता है और कितना यूज करें ये बताइए। शर्मा जी प्रश्न सुन लिया आपने मेरा? कौन सा केमिकल का नाम विषय जाए? डेल्टा मैट्रीन। केमिकल का नाम बताएं। डेल्टा मैट्रीन। केमिकल का नहीं आ रहा मैडम, क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा है सर डेल्टा मैट्रीन मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलता है। साइड में क्वेश्चन आते हैं। हाँ डेल्टा मैट्रीन की। हाँ हाँ उसी का मैं कह रहा हूँ। डेल्टा मैट्रीन में बहुत मुश्किल से मिलता है मार्केट में। हाँ कौन सी कंपनी से है? स्पेस वेयर हाउस। स्पेस वेयर हाउस से कौन सा बोल रहे हैं? स्पेस वेयर हाउस से कौन सा बोल रहे हैं? गुड नेम बताएं आप, और कहाँ पे है ये स्पेस वेयर हाउस? स्पेस वेयर हाउस वाले ऑनलाइन हो जाएं। पुलकित अग्रवाल बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट रायसेन। डिस्ट्रिक्ट रायसेन। रायसेन में कहाँ पे है आपका वेयरहाउस? मेरी तो ऑन सर सलामतपुर। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सलामतपुर। सलामतपुर मेरी तो ऑन जी। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा नाम नोट करिए, डेल्टा मैट्रीन। ये आपका WDRA पीजी गोडाउन है वो? WDRA या संयुक्त भागीदारी में? WDRA एक कैटेगरी में आते हैं। इसका पूरा नाम नोट करिएगा, डेल्टा मैट्रीन। ये इस रसायन का पूरा नाम है। दूसरा आपको इसका डोजेज बताएं। 3 लीटर पानी में 100 ग्राम पाउडर लगता है। हाँ हमारा हो गया है ना, हम वेट कर रहे हैं आपका, जैसे ही होगा आप बताइएगा। ठीक, क्या आप ऐसा
में एक 1000 मेट्रिक टन का हो ग्राम। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही। शर्मा जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट रही है। जहरीला होता है, इसके हाथ पैरों पर गिरने से छाले पड़ सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ पा, अब आ रही है, बीच में कट जाती है। कट मैं डेल्टा मैथ्रिन का एक चार्ट आप को स्क्रीन पे आपको ये तो चालू है ना, यहाँ बिठा लो ना सर, आप इधर आओ। और वो 5 मिनट में ऑनलाइन हो रहे हैं, उनको बोलना इधर आ जाइए। तो ये डेटा में का है, एक हर मिनट स्पेस में आ रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर, आवाज आ रही है। आप ऐसा करें, वहाँ मिस्टर जो है, एक मिस्टर सक्सेना ब्रांच मैनेजर है सलामतपुर। जी सर। आप उनके पास जाइएगा, वो आपको डेल्टा मैथन की पूरी डिटेल दे देंगे। कहाँ उपलब्धता का सवाल है, अगर आप उनको मौखिक रूप से या लिखित रूप से आवेदन करेंगे तो वो आपको डेल्टा मैथन आपके कैश बेसिस पे आपको उपलब्ध करा देंगे। जी सर। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन तो प्लीज। शर्मा जी आप दूसरे स्टूडियो में आ जाइए, आप इधर आ जाइए, दिल्ली से ऑनलाइन हो जाएंगे हम लोग। जी आप वहां से मेरे पास आ जाइए स्टूडियो में, जब तक वेट करते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को अवगत कराना चाहूँगा कि 5 से 10 मिनट में दिल्ली से WDRA के मेंबर अरणी सिंह साहब और डिप्टी डायरेक्टर चौहान साहब हमारे साथ ऑनलाइन रहेंगे और वो आपसे कुछ प्रोग्राम के बारे में फीडबैक पूछ सकते हैं, आप बताइए। और इस प्रोग्राम में अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ रह गई हो जो WDRA से आपको कुछ पूछताछ करना हो तो डायरेक्ट आप उनसे भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि सभी पार्टिसिपेंट को बता दीजिए कि WDRA से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न करना है, कोई जानकारी चाहिए या किसी भी तरह का क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। रहा सवाल आपका फीडबैक, मैंने देखा है, हम चाहते हैं कि आप लोगों में से 2-4 लोग इस प्रोग्राम के बारे में भी ऑनलाइन बताएं, बोलें। अभी तो आपने लिख के दिया है लेकिन अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या है, और भविष्य में काफ़ी आप लोगों ने सराहना भी की है तो हम चाहते हैं कि माइक पर भी ऑनलाइन उनको बोल के आप बताएं। तो अभी मेंबर अभी और जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर चौहान साहब, वो हमारे साथ ऑनलाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, फिर हम बातचीत करेंगे आपके मार्फत से। जिन लोगों ने फीडबैक फॉर्म नहीं भर के दिया है वो भर के भिजवा दें हमारे को। हाँ शर्मा जी आप बात कर सकते हैं। Thank you.
हाँ अच्छा नहीं नहीं बस बस मैं आ गया हूँ मैं कर रहा हूँ जी हाँ आ गया जी आवाज बंद करिए सर की आवाज सत श्री अकाल जी नमस्कार सर कैसे हैं जी सर सभी पार्टिसिपेंट से मेरा अनुरोध है कि इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय श्री हरप्रीत सिंह जी जो मेंबर हैं WDRA के नई दिल्ली हमारे बीच में उपस्थित हैं मैं बहुत हृदय से आभारी हूं जिन्होंने हमें समय दिया एवं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस समापन अवसर पर हमारे बीच में नई दिल्ली WDRA ऑफिस से डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय चौहान साहब भी वीके चौहान साहब भी उपस्थित हैं मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आप सभी की ओर से पार्टिसिपेंट की ओर से ICM की ओर से सर 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में हमने अलग अलग एक्सपर्ट विशेषज्ञ लोगों को बुलाया था और जो आपके द्वारा दिए गए टॉपिक्स थे उस पर गहन डिस्कशन करवाया और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने गहन रुचि लेकर और पूरा इंटेलेक्चुअल कहना चाहिए मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वेयर हाउस के मैनेजर्स जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं इतनी गहराई से जाएंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे गुड मॉर्निंग मैं अभी यहीं से ज्वाइन कर लेता अच्छा अच्छा कोई वही मैं आपको लगा रहा था कोई बात नहीं इसके बाद आप आ जाइएगा है ना सर तो जी 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 ओके साथियों इस सेकंड सेशन में आज आखिरी दिन हमारे बीच में श्री योगेश द्विवेदी जी उपस्थित हैं आज का आपका टॉपिक है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 FSSAI रिलेवेंस टू वेयरहाउसिंग एंड APMC एक्ट इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे मैं द्विवेदी साहब का आप सभी की ओर से ICM भोपाल की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे 5 दिन हमारे साथ अलग अलग विषयों पर जो रहे हैं हमारे को जो मार्गदर्शन दिया द्विवेदी साहब का हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी इस प्रकार से हमको आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी अपेक्षा करते हैं आप इसी प्रकार का हमको सहयोग मिलता रहेगा आपसे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं द्विवेदी जी से अनुरोध करूँगा कि अपनी बात जारी रखें नमस्कार थैंक यू डॉक्टर मुद्रा साहब साथियों नमस्कार और जैसा कि पिछले 3 दिनों से आप डिफरेंट टॉपिक्स में जो है WDRA द्वारा जो ऑर्गेनाइज जो द्वारा संचालित संचालित किए जो संचालित किए ट्रेनिंग जो है इसमें कई विषयों पे चर्चा की गई है बेसिकली वेयर हाउसिंग से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उसको सभी को यहाँ पे रखने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किस तरह से हमें जैसा हम कल चर्चा में बात कर रहे थे कि हमें आइडियल वेयर हाउसिंग और एक इफिशियंट आइडियल और मॉडर्न वेयर हाउसिंग सिस्टम के बारे में हमें जानकारी मिल सके और हम अपनी ये तो हो गया सर जो पूरा व्यवसाय है उसको इस तरीके से करें इस स्टैंडर्ड के साथ करें भविष्य में जो है वो पूरी तरह से जो विधिक हो जो कानूनी जो जरूरतें हैं उसको हम पूरा कर पाए और साथ में हमारे यहाँ जो अच्छा हमसे जुड़े हुए जो कस्टमर है जो हमारे से जुड़े हुए जो व्यापारी है हमारे यहाँ जो रखते हैं उनको भी जो है कोई चिंता ना रहे और वो भी आपके पास ज्यादा से ज्यादा रख सके और हमने जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कल हम WDRA के रिलेटेड डिफरेंट
बारे में बात कर सके थे। लेकिन साथियों अभी एक और महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, क्योंकि जब हम वेयर हाउसिंग की बात करते हैं तो वेयर हाउसिंग का मतलब ये नहीं होता कि केवल हम ग्रेन ही रखेंगे, कई सारे ऐसे फूड आइटम है, चाहे काफी दिनों से अभी पेपर में आ रहा है क्वालिटी को लेकर के, गुणवत्ता है जो खाद्य पदार्थ की वो उस स्टैंडर्ड में नहीं थी जो अपेक्षित थी, जो भारत सरकार का जो कानून था मतलब जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार नहीं थी। तो इसका मतलब है अब बात आ रही है दो लेवल पे चर्चा हो रही है। एक बात लोग कह रहे हैं कि जो मिलर है उसने गड़बड़ किया है, मिलर ने जो मटेरियल उसको मिलिंग के लिए दिया गया था वो मिलिंग में वो ना करके दूसरा मटेरियल सप्लाई किया। दूसरी ओर मिलर का ये कहना है कि नहीं साहब ये तो वेयर हाउस वालों ने ही गड़बड़ किया, हमने तो अच्छा माल, हमको तो जो माल मिला तो यद्यपि ये विवाद का मुद्दा है, सरकार इसमें जांच कर रही है और शायद अभी वो बदलने की बात हो रही है और इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये आपको समझने की बात है कि ये जो इंस्पेक्शन हुआ है ये इंस्पेक्शन जो है चूंकि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो है हमारा भारत सरकार की फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंज्यूमर अफेयर्स वो जो है जैसे अपने यहाँ पे नागरिक आपूर्ति जो अपना यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी खाद्य एवं आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य मंत्रालय की बोलते हैं उसकी ये जवाबदारियाँ है कि ये जो मटेरियल जो भी खरीदा जा रहा है जो स्टोर किया जा रहा है उसको इस तरह से किया जाए ताकि वो जो मानक है जो भारतीय हमारे जो भारत सरकार के जो मानक है उसी के अंदर ये जो टीम आई थी वहाँ उस टीम में सारे ग्रुप से एफएसएसएआई के जो है अधिकारी 100% रहे होंगे क्योंकि हम लोगों ने भी शासकीय खरीदी का कार्य किया है मध्य प्रदेश में 2015-16-17 में दलहन की तो वहाँ की टीम आती थी और उनका पूरा वो लोग देखते हैं कि ये दलहन जो है आप कर रहे हैं कि खाने में प्रयोग होने वाली है तो इसको हमें इस तरीके से रखना है ताकि इसमें किसी तरह की कोई भी ऐसे टॉक्सिक मटेरियल या फंगस इस तरह जनरेट नहीं हो, एक कीड़ों का प्रकोप ना हो, इसका देख रेख इसकी करता है, इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI आप देखेंगे जो भी आप अगर कोई केचप देते हैं या कोई आप अभी जेल कई सारे खाने के जो पदार्थ है उनके अगर आप जो देखोगे तो FSSAI का नंबर रहता है ठीक है। तो ये जो नंबर है FSSAI रजिस्ट्रेशन ये भारत सरकार ने ये किया है ताकि जो हमारे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जो है वो बनाई रख सके और ये कानून प्राधिकरण है। जैसे हमने WDRA में बताया था कि WDRA एक कानून था और इसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए WDRA बनी थी, इसी तरह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि भारत खाद्य सुरक्षा भारतीय खाद्य सुरक्षा के जो मानक है उनको क्रियान्वयन करने की जवाबदारी उसके ऊपर है। जैसे मैंने बताया साथियों FSSAI ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, कैसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जो भी आप खाद्य पदार्थों का भंडारण कर रहे हैं अगर वो मनुष्य के लिए उस खाद्य पदार्थों को आइदर वो शासकीय या अशासकीय किसी रूप में अगर वो डायरेक्ट प्रोसेसिंग में जा रहा है तो वो स्वाभाविक रूप से उसमें आपका जो वेयर हाउसिंग का भी वहां पे ऑडिट होगा, मतलब आपने कोई भी खाद्य पदार्थ अगर शासन का रखा हुआ है और अगर वो जो हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है या कोई प्राइवेट कंपनी में भी अगर इस तरह से जैसे मान लीजिए किसी आपने पतंजलि है या कोई भी फूड है रुचि सोया है इनफैक्ट आपके कोई बड़ी ITC है अगर आपने इनका कोई इसी का मटेरियल अपने यहाँ रखा हुआ है और ये मटेरियल से ये गेहूं या खाद्य पदार्थ या चावल रखा हुआ है आपने आधान रखी है और उससे चावल बनाने का इनका प्लान है और वो बेचने वाले हैं तो स्वाभाविक रूप से इनको जो है ऐसे वेयर हाउस में इनको रखना पड़ेगा जहाँ के FSSAI के मानकों का पालन हो रहा हो। और FSSAI क्या है जैसे आपको बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कहा जाता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कहा जाता है। FSSAI को 5 अगस्त सन 2008 से शुरू किया गया है, हमने पहले WDRA एक्ट इसके पहले आया था और यह देखा गया कि WDRA तो आपने वेयर हाउसिंग का तो कंट्रोल आपने कर लिया
लेकिन वेयर हाउसिंग के अंदर जो खाद्य पदार्थ रखा जाने वाला है, जो मटेरियल, जो अनाज रखा, जिससे भी खाद्य पदार्थ बनने वाले, जिससे हम आटा बनाने वाले, चावल बनाने वाले, उनके रॉ मटेरियल है ये ना। आप धान से ही तो चावल बनाते हैं, गेहूं से आप आटा बनाते हैं, क्या आपने चना रखा हुआ उसे आप बेसन बनाएंगे, बेसन के 2500 आइटम, हजारों आइटम बनते हैं, आपको मालूम गेहूं के डिफरेंट आइटम बनते हैं। तो ये आइटम को आपको जब स्टोरेज के समय भी आपको FSSAI के मानकों का पालन करना होगा। यदि आपने ऐसी संस्थाओं का माल अपने यहाँ रखा है जिनको जी भी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, जो कि प्रोसेसिंग करते हैं, जो कि उनको पैकेट के फूड में उनको पैक करके भेजते हैं बाजार में, ठीक है। ये जो बेसिकली ये जो FSSAI है, इसके लिए क्या हुआ, जो भारत हमारा, जैसे बताया मैंने आपके 2007 में हमारा WDRA एक्ट आया था, इसी तरह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में, अब मतलब ये चीज आपको समझना है यहाँ पे कि जो भारत जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम ये 2006 में लागू हुआ, और इस कार्य को तो ये जो एक्ट है कानून का कौन सा था, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 भारत सरकार का कानून, इसके अंतर्गत ये 6 में कानून बना। अब इसको क्रियान्वयन करने के लिए कोई एजेंसी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि WDRA एक्ट अपना 2007 में बना, और WDR एक्ट और WDRA जो बनी अथॉरिटी बनी इसको क्रियान्वयन कराने के लिए वो 2010 में बनी, ठीक है। इसी तरह से 2006 में भारतीय जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का निर्माण हुआ, और उसको कार्य को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको जमीनी असली जामा पहनाने के लिए, इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का निर्माण किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2000 क्या क्या बोलता है, ये कानून किसने बनाया गया, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत FSSAI निश्चित रूप से खाने में मिलावट पर नियंत्रण करने का कार्य करता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा मतलब कि जो मटेरियल वहां पे रखा है खाने योग्य, जो जिसको कि आपको बेचने वाली है कोई संस्था, प्राइवेट या सरकारी, तो वो संस्था बेचने के पहले उसको इन मानकों का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये इसको नियंत्रण करने की, निगरानी करने की जो है वो जवाबदारी हमारा FSSAI जो है, FSSAI की जवाबदारी है। और ये जवाबदारी किसके अंतर्गत है, ये जवाबदारी है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत, ठीक है। इसके पहले भी दूसरे कानून भारत में थे, लेकिन क्या उन कानूनों में बहुत तरह के कानून थे, अलग अलग छोटे कानून थे, उसका दायरा बहुत सीमित था, कोई दलहन के लिए था, कोई फूड के लिए अलग था, उसमें फूड का मतलब होता था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने कई सारे कानूनों को खत्म करके और 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो है 2006 लागू किया, पुराने कानूनों को खत्म कर दिया, और इसका जो दायरा है वो काफी व्यापक कर दिया गया, इसमें कई तरह के फूड जो है खाद्य पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। FSSAI भोजन के मानकों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है, भोजनों के लिए जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है खाद्य में, जो उसके जो गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए मानक मापदंड है, उनको जो है स्थापित करने के लिए वो मापदंड है। क्योंकि साथियों जैसा आपको मालूम है कि अब हमने ये जो हमारा बाजार है, हमारा जिस परिवेश में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे हम वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, या हम अपना मटेरियल प्रोसेस कर रहे हैं, या हम उसकी बिक्री कर रहे हैं, हमारा जो हम लोग जो व्यवस्था है इसको अंतरराष्ट्रीय बाजार व्यवस्था बोलते हैं, हम ग्लोबलाइज्ड मार्केट में, हम यूनिवर्सल मार्केट में, हमारा जो बाजार है उसका भूमंडलीकरण हो गया है, हमारे बाजार में हम लोग अपना बाजार से मटेरियल आयात भी करते हैं और निर्यात करते हैं। एक जमाना ऐसा था कि हमारे जो है बीच में करीब 60-70-80 के दशकों में हमारा जो स्टैंडर्ड है फूड का काफी डाउन हो गया था, हम लोग अपने काफी, यहाँ तक कि विदेशी जो लोग हैं या यूरोप में हमारे खाद्य को जो है लोग सबकी नजर से देखते थे, उनको लगता था कि इंडियन फूड है, मतलब इंडियन जो पैक होकर आया है इसमें कोई भी भरोसा करने लायक नहीं, इसमें पक्का कुछ ना कुछ मिलावट होगी, कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, फफूंद होगी, लो स्टैंडर्ड का मटेरियल, ऐसी मान्यता विदेशों में लोगों के मन में थी, ठीक है, ऐसा लोगों के मन में थी। और ये बड़ी मुद्दा था भारत का जो एक्सपोर्ट था, क्योंकि एक तो हम लोग इम्पोर्ट में निर्भर थे, हमारे उत्पादन भी कम था, जैसा आपको मालूम है कि जब देश आजाद हुआ उस समय हमारे पास के लिए, चूंकि हम लोग इतने सालों की, हजारों सालों की गुलामी के कारण हमारे यहाँ का जो व्यवस्था थी पूरी ठप हो गई थी, हमारी जो खेती की व्यवस्था और हम सब गुलामी की दास्ता में
लगान देते देते सब किसानों की हालत खराब हो गई। तो हमको अब हुआ क्या, उसके कारण देश में अनाज इतना होता नहीं था कि हमें हम अपने किसान लोगों को खिला पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों और ये गुलामी के कारण हमारे साथ हुए। इसके कारण क्या हुआ, देश में बाहर से हमें अनाज मंगाना पड़ता था। आपको याद होगा पुराने साथी, अगर हमसे यहाँ से जुड़े होंगे, लाल गेहूँ आता था, यूएस से लाल गेहूँ आया, दूसरे देशों से आता था। और इसके कारण हम लोगों की अगर पेट भरना है, किसी भी हालत में भरना है, मतलब हम लोग क्वालिटी की बात तो करते ही नहीं। मेड इन इंडिया कहने में हमें शर्म आता था, मेड इन यूएसए है, मेड इन दूसरा देश दिखा रहा है कनाडा, तो हमें बड़ा गर्व लगता था यार, हम लोग शर्ट पहन रहे हैं मेड इन यूएसए, मेड इन इंग्लैंड है, तो इसको बड़ा जो है बड़ा गौरव से लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन समय बदला, समय परिवर्तन हुआ। हमने जो है 1990 के बाद, जैसा आपको मालूम है कि हमने 1991 में जब भारत ने डब्ल्यूटीओ में सिग्नेटरी किया, जो हस्ताक्षर करता बना गैट जो था, उसमें हम लोगों ने उसमें भी हमने एग्रीमेंट हमने साइन किए और दुनिया के बाजार से हम जुड़ गए। अब अगर हम दुनिया के बाजार से जुड़ गए हैं तो हमें दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट करना, केवल हम आयात तो करेंगे नहीं, केवल आयात खरीदेंगे खरीदेंगे। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है, अगर हमें अपनी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी या हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करनी, हमें निर्यात करना पड़ेगा। निर्यात करने के लिए हमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है, जो मापदंड है गुणवत्ता के, क्वालिटी के, वो हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। और भारत सरकार ने इसको महसूस किया कि हम किस तरह अपने जो हमारे खाद्य पदार्थ है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी हम ऐसी गुणवत्ता बनाएं ताकि विदेश में वहाँ की लेबोरेटरी में वो फेल ना हो और वहाँ पे जाके लोग इसको